आप देख ही सकते हैं धार लगाने का जो प्रॉपर तरीका होता है और हमारी पथरी को जो रखने का प्रॉपर तरीका होता है वो क्या होता है, पहले इसको समझ लें। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है धार लगाते वक्त, वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों मैंने फेसबुक पेज बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, फॉलो ज़रूर कर लेना फेसबुक पेज को भी, वहाँ पर भी मैं आपको अच्छे अच्छे अपडेट और जानकारी की वीडियो दूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल और हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको सभी कारपेंटर टूल्स की धार लगाने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा, किस तरह से आप प्रॉपर धार लगा सकते हैं, और ये वीडियो न्यू कारपेंटर भाइयों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये मैं कुछ टूल्स की धार लगाकर दिखाऊंगा, ये अलग अलग टाइप के टूल हैं, इनकी धार को कैसे लगाया जाता है। एक ही पथरी पर लगाई जाती है, लेकिन जो हमारे टूल्स होते हैं कारपेंटर टूल्स होते हैं, अब इसकी चोरसी की जो धार लगाने का तरीका होता है थोड़ा अलग होता है, और इसी के साथ साथ ये जो हमारा चोरसा होता है इसकी धार लगाने का भी तरीका अलग होता है। इनको सारा खेल जो होता है पकड़ने का होता है, डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपको धार लगानी चाहिए। तो जो लोग न्यू हैं इस वीडियो को प्रॉपर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पूरा प्रोसेस आपके समझ में आने वाला है, धार को कैसे लगाया जाता है। सारा खेल समझ का होता है, अगर वीडियो को समझ लिया तो धार लगाने का प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, और धार लगाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं जिशान सेफी, आप देख रहे हो MZS वुडवर्क। तो आप देख ही सकते हैं धार लगाने का जो प्रॉपर तरीका होता है और हमारी पथरी को जो रखने का प्रॉपर तरीका होता है वो क्या होता है, पहले इसको समझ लें। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है धार लगाते वक्त, वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ में पानी ले लें, उसके बाद अपनी जो हमारी धार लगाने की पथरी है इसको हम गीला कर लेते हैं, ताकि ये प्रॉपर तरीके से धार लगाए। मैं इसमें चोरसी की धार लगाने का तरीका भी बताऊँगा। पतली वाली निहानी है जी, हमारा ये एक चोरसा है, इसमें ये छोटी चोरसी है, और एक ये हमारा निहान है जो कि हमारा चौखट विंडो के चूल खोदने में काम आता है। तो ये बोर्ड का पीस है, मैंने पथरी के हिसाब से यहाँ पर ये कि खांचे को बनाया है। पथरी को निकाल लेता हूँ, पथरी हमारी गीली हो चुकी है, बाद इस खांचे के अंदर इसको फिट कर लेते हैं। तो खांचा बनाने का मेन रीज़न है, इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग जो कि न्यू होते हैं, सिर्फ मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग न्यू होते हैं वो इस तरह से धार ना लगाएँ, क्योंकि इस तरह से धार लगाने से पथरी स्लिप होती है। तो देख ही सकते हैं, जब हम धार लगाएंगे तो ये आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी, और आसपास में स्लिप होने के इसके चांसेस फुल रहते हैं। तो इस कुछ इस तरह से कि खांचा बना लें, जो न्यू लोग हैं, जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर किसी भी तरह से धार लगी जाती है। तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से इस खांचे को बना लें, देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे से हमारी पथरी फिट हो चुकी है। तो अब मैं धार को लगाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं चोरसी की धार लगाऊंगा। जो भी भाई फर्स्ट टाइम धार को लगाना चाहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी फर्स्ट टाइम धार लगाएं तो किसी पुरानी पथरी पर धार ना लगाएं, आपको एक नई पथरी लेनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नई पथरी होती है बिल्कुल सीधी होती है। एक घंटा रोज का आपको धार में देना पड़ेगा, कुछ औजारों की धार रोज लगानी पड़ेगी, ताकि समझ में आ जाए हमें किस डायरेक्शन में अपने औजार की धार को लगाना है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझाने की कोशिश रहती है मेरी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले चोरसी से। मैं पहले सबसे पहले पानी थोड़ा सा इस पर वो डाल लेता हूँ, और इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, हमारी पथरी एक साइड से प्लेन होती है, देख ही सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन होती है, और एक साइड से थोड़ी सी डार्क होती है, इसमें दाना होता है। तो ये आप अपनी फिंगर से भी रफ करके चेक कर सकते हैं, जो हमें धार लगानी है वो दाने वाले पार्टीशन से लगानी है। जो प्लेन वाली जो हिस्सा है हमारा, ये फाइनल धार पर हमको यूज़ करना है। तो देखें आप, मैं इस पर थोड़ा पानी डाल लेता हूँ, कुछ इस तरह से पानी को डाल लेना है और इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से दो फिंगर आपको यहाँ पर रखनी है और एक फिंगर ये यहाँ रखनी है, ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। उसके बाद कुछ इस तरह से इसको रगड़ना है, कुछ इस तरह से इसको रब करना है आगे पीछे, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से इसको आगे पीछे रब करना है। दोस्तों इसमें इस बात का ध्यान रखना है, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपको किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से बिल्कुल हाथ सीधा रखना है। उसके बाद इस तरह से सभी जगह पर इसको रब करना है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसी तरह से अपने हाथ का डायरेक्शन को चेंज करता रहना है, ताकि हमारी पथरी एक जगह से घेरी ना हो और बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल राइट एंगल में हमारी पथरी रहे। तो अगर इस तरह से आप धार लगाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी धार भी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी धार में। तो इसी तरह से कुछ डायरेक्शन को चेंज करते रहना है, और ये अपनी दो फिंगर को आगे रखना है, सॉफ्ट हाथ से धार नहीं लगानी है, हाथ को जमा के चलाना है। तो जब कुछ इस तरह से आप रगड़ते रहोगे, चोरसी की धार का कैसे पता लगेगा अभी हमारी धार लगी या फिर नहीं लगी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी चोरसी पर धार लग जाएगी, जब आप अपने पीछे से ये फिंगर इस तरह से रब करोगे, तो ये कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल हमारा बिल्कुल प्लेन है, जब मैं इसको घिसता रहूँगा इस तरह से, इसको रब करता रहूँगा, जो हमारी ये चोरसी की आगे की जो धार होती है ये पलट जाएगी, इसका पट्ठा उतर जाएगा, तो ये पीछे से जो है कुछ इस तरह से फिंगर से प्लेन प्लेन फील नहीं होगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको पहले रगड़ता हूँ, उसके बाद दिखाऊँगा आपको।
दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है चोरसी को इस तरह से नहीं घिसना है जैसे कि सीधा, इस तरह से घिसना है थोड़ा सा टेपर करके जैसे कि स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। स्टेप को अगर फॉलो करोगे धार लगाना 2-3 दिन में ही सीख जाओगे। इसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहेंगे ताकि पथरी बिल्कुल सीधी रहे। तो पथरी को अगर सीधा रखना है तो कुछ इस तरह से धार लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ताकि पथरी बिल्कुल सीधी रहे। तो कुछ इसी तरह से हम घिसते रहेंगे, पूरी पथरी में मैं इसको घिस रहा हूँ। जो लोग न्यू होते हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब भी धार लगाएं न्यू पथरी पे लगाएं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ धार इसी तरह से लगाएं, बहुत ही जल्दी धार लगाना सीख जाएंगे प्रॉपर तरीके से। दोस्तों मैं इसे काफ़ी देर से घिस रहा हूँ तो हमारा पट्ठा उतर कर तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जब आप अपनी फिंगर को पीछे को करोगे तो यहाँ पर फील होएगा कि हमारा पट्ठा उतर चुका है। तो अब मैं इसमें एक बात और आपको बता देता हूँ राइट एंगल की। जैसे कि ये राइट एंगल है, इसको राइट एंगल को कुछ इस तरह से रखना है। देख लें अभी तो हल्का सा फ़र्क है इसमें, जैसे कि हमारी इस टक्कर पे फ़र्क है, ये देख ही सकते हैं आप। तो इस टक्कर पे हल्का सा फ़र्क है, तो मैंने राइट एंगल से बिल्कुल मिलाकर देखा तो ये हल्का सा फ़र्क है, बहुत ही ज़रा सा। अब इस फ़र्क को कैसे निकालें, तो ये हमारा फ़र्क इस वाली टक्कर पर, ये देख ही सकते हैं आप, जैसे कि ये इस टक्कर पर हमारा फ़र्क है, राइट एंगल में धार नहीं लग रही है। तो मैं इसमें बारीकी से बता देता हूँ, कुछ इस तरह से करना है। इस टक्कर पे फ़र्क है, हम इसे उल्टा करते हैं तो हमारा सर फर्क इस टक्कर पे है, हमें इस वाली टक्कर को, हमें इस टक्कर को ज़्यादा घिसना है। हमने काफ़ी देर तक कुछ इस तरह से इसे घिस लिया है, उसके बाद इसमें इस बात का ध्यान रखना है जब इसे उल्टा करके घिसें तो कुछ इस तरह से ना घिसें। अगर न्यू हैं आप तो कुछ इस तरह से ना घिसें, इसको हमेशा इसी जगह रखें, बिल्कुल यहाँ से मिला कर रखें, एक सूद स्पेस छोड़ें और इस तरह से इसको घिसें। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा स्टेप। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि इसे इस तरह से घिसना है, इसको हमेशा इसी तरह से घिसना है ताकि हमारी चोरसी बिल्कुल सीधी रहे और इसकी धार प्रॉपर तरीके से लगे। अगर हम इसे इस तरह से घिसते हैं तो ये हमारा पूरा इतना एरिया सीधा रहता है, अगर हम इसे इस तरह से घिसेंगे तो ये कुछ इतना एरिया गहरा हो जाएगा, फिर बाद में हमारी इसकी धार अच्छे से नहीं लग पाएगी। तो कुछ ये इसी तरह से घिसनी है और ये इसको इतने टेपर में रख लेना है, चोरसी को इतने टेपर में रखना है और इसको कुछ इस तरह से घिसते रहना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पीड से घिसता हूँ, फिर इसे पलटना है, फिर इसी तरह से घिसना है, फिर इसको इस तरह से पटकना है और हाथ के डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखना है ताकि इसकी धार अच्छे से लगे। फिर इस कुछ इस तरह से इसको घिसने के बाद फिर इसको पलट लेना है, कुछ इस तरह से घिसना है, इस तरह से फिंगर से चेक कर लेना है, ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो इस जगह तो हमारा ये प्लेन है, फिंगर से ही फील हो जाएगा जब आप धार लगाओगे। इस जगह हमारा बिल्कुल ये प्लेन हो चुका है, लेकिन इस कोने में थोड़ी सी अभी हमारा इसमें पट्ठा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो धार अभी कंप्लीट नहीं लगी है। तो मैं इस कोने को और घिस लेता हूँ। तो ये कोना हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ये फील हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा घिसने के लिए तो यहाँ थोड़ा सा फील हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और घिस लेता हूँ। इस कोने को मैं सिर्फ इसी कोने को घिस रहा हूँ, फिर हम इसी आगे आगे फिर इसी कोने को घिसते हैं, फिर इसको पलटते हैं, फिर इसी तरह से इसको घिस लेते हैं, फिर इसको पलटते हैं। दोस्तों मैंने इसको पीछे से भी घिस लिया है तो हमारी ये फिंगर जो है ना फील करा देती है, तो हमारा बिल्कुल प्लेन हो चुका है। तो इसमें धार लगने के बाद ये कुछ पीछे से कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से शाइनिंग आ जाती है जब हमारी धार लग जाती है बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। तो ये भी पीछे से अच्छे से घिसा हुआ होना चाहिए और आगे से भी, और आगे से भी शाइनिंग आ जाती है और पीछे से भी शाइनिंग आ जाती है इतने एरिया में, तो इसका मतलब हमारी धार लग चुकी है। तो इसकी धार मेरी अभी प्रॉपर तरीके से लगी नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर तरीके से धार लगा के बताऊंगा आपको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें हल्के हल्के आपको दांते दिखाई दे रहे होंगे। तो धार लगाने का यही तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं दूसरे वाले औजार को दिखाता हूँ। अब ये मैंने अभी चोरसी की धार लगाई, उसके बाद हम इसकी निहान की धार लगाने का भी तरीके को शेयर करते हैं। तो मैं इसे पथरी को पलट लेता हूँ जो हमारी यहाँ से धार लगती है, उसके बाद इसको भी कुछ इसी तरह से रखना है और इसी तरह से घिसना है, ये देख ही सकते हैं आप, कुछ इसी तरह से घिसना है इसको और इसका डायरेक्शन चेंज करते रहना है अपने हाथ को, ये कुछ इस तरह से इसके डायरेक्शन को चेंज करते रहना है, इसका डायरेक्शन चेंज करते रहना है और इसको काफ़ी अच्छे से घिस लेना है और सीधा घिस लेना है। और घिसने के बाद जब इसका पट्ठा पीछे को उतर जाए उसके बाद पथरी को पलट लेना है, इसको पथरी को पलटने के बाद फिर कुछ इसी तरह से घिसना है और इसको भी जो हमें फिनिशिंग देनी है जो फाइनल धार पे, वो बिल्कुल यहीं से देनी है, इसी टक्कर पे इसको लगा लेना है, उसके बाद कुछ इस तरह से इसे फिनिशिंग देनी है। इस बात का इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ इसी तरह से फिनिशिंग देनी है, उसके बाद फिर इसको इस तरह से रखना है, हाथ को बिल्कुल हाथ के डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखना है, ज़्यादा हिलने नहीं देना है हाथ को, फिर उसके बाद कुछ इसी तरह से इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो फाइनल धार हमारी, तो इसी तरह से कुछ इसकी फाइनल धार को
लगा ले लें, और ये जब भी आप ये फाइनल धार लगाएं तो इसको इस जगह से रगड़ें, ये गलती ना करें कि ऐसे करके इसको घिसें, हमेशा इसी जगह से इसको घिसना है। तो जैसे कि मैंने दो टूल्स पर धार लगाने का तरीका वो बताया, अब तीसरे नंबर पर मैं इसको निहानी को लेता हूँ। तो इसको मेरी लैंग्वेज में निहानी बोलते हैं, दो सूत की होती है, आपकी लैंग्वेज में शायद कुछ और बोलते होंगे। इसकी धार लगाने का भी यही तरीका है, ये कुछ इस तरह से इसको पकड़ लेना है, देख स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से इतने टेपर में रख लेना है और इसको घिस लेना है, और इसको थोड़े से इसको हाथ को थोड़ा जमा के चलाना है, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट हाथ से हमें इसकी धार लगानी है। जो हमें फाइनल धार लगानी होती है उसमें सॉफ्ट हाथ का यूज़ किया जाता है, और जब हमें धार लगानी होती है तो इसमें थोड़ा सा हार्ड वाले हाथ का यूज़ किया जाता है। तो इसको अच्छे से टाइट से पकड़ के ही धार लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी धार लगा लेनी है, इसके भी डायरेक्शन को चेंज करते रहना है, ताकि हमारी पथरी में लाइन ना आए, क्योंकि दो सूत की है, अगर हम एक ही जगह ऐसे घिसते रहेंगे तो हमारी पथरी में लाइनिंग आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से इसको घिसना है, उसके बाद अपनी फिंगर से जब इसका पट्टा उतर जाए इसे अपनी फिंगर से चेक कर लेना है, उसके बाद पथरी को पलट लेना है। पथरी को पलट लेने के बाद कुछ इस तरह से सॉफ्ट हाथ से इसकी फाइनल धार को लगा लेना है, और कुछ इस तरह से लगाने के बाद इसको फिर इस तरह से रगड़ लेना है। जो लोग न्यू होते हैं उनसे कोना ज़्यादा हो जाता है, एक कोना कम हो जाता है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका कोना ज़्यादा है तो इस कोने को थोड़ा सा डार्क हाथ से पकड़ें और इसे घिसें, तो ये कोना नहीं घिसा जाएगा, ये आपके हाथ में है। धार लगाने को काफ़ी अच्छे से समझना पड़ता है, अगर एक बार इसे आप अच्छे से समझ जाते हैं तो धार लगाना भी प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं। ये हमारी ज़्यादा घिसेगी तो हमारा यहाँ का जो पट्टा है थोड़ा ज़्यादा उतरेगा, जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो धार बिल्कुल सीधी आ जाएगी। तो हमारे तीन जो हैं, तीन टूल्स की मैंने आपको स्टेप बता दिया है। चौथे नंबर पे हमारा चौरसा है, जो कि आधे इंची का होता है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो पथरी को पलट लेता हूँ, इस साइड से हमारी धार लगती है, दूसरी साइड से फाइनल धार लगती है। तो कुछ इस तरह से इसे ही पकड़ लेना है और कुछ इस तरह से इसे घिसना है, तो सभी जगह अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहना है। कुछ इस तरह से इसे घिस लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको ज़्यादा जो है अपने हाथ को हिलने झुलने नहीं देना है इस तरह से। फर्स्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सेकंड टाइम में वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगर रोज़ लगाते रहोगे, एक घंटे धार को देते रहोगे, कुछ ही दिनों में धार भी परफेक्ट तरीके से लगाना सीख जाओगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा जब करोगे। तो कुछ इस तरह से मैं इसे घिस लेता हूँ। आपके जब हाथ में ये चौरसा होगा, कोई सा भी औजार होगा, तो काफ़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से धार लगाना सीख सकते हो। तो जब हमारा कुछ देर तक हम इस तरह से इसको रगड़ते हैं, किसी वजह से अगर हमारे चौरसे में एक साइड बली हो रही हो, जैसे कि एक कोना इसका बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो, इसका मतलब ये राइट एंगल में नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको करना है, हम इस कोने को पकड़ लेते हैं दो फिंगर से और इसी कोने को ज़्यादा घिसते हैं, तो हमारा कोना बिल्कुल सीधा हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर ये कोना ज़्यादा है, अगर ये कोना किसी वजह से ज़्यादा है, तो हम इस कोने को कुछ इस तरह से भी घिस सकते हैं, थोड़ा सा इस कोने को बाहर निकाल सकते हैं अपनी पथरी से और इसको कुछ इस तरह से घिस सकते हैं, तो हमारी धार बिल्कुल सीधी आ जाएगी। जब इतने घिसने के बाद ये हमारा पीछे को पट्टा उतर जाएगा, उसके बाद पथरी को हमें पलट लेना है। अब हम फाइनल धार इसको देते हैं, ये इस तरह से इसको घिसना है, हाथ को हिलाना झुलाना नहीं है, और बिल्कुल इसे यहाँ चिपका लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ खुद चिपक जाती है, ये देख ही सकते हैं, ये बिल्कुल खुद चिपक जाती है। ये अगर बिल्कुल चिपक चुकी है तो इसी डायरेक्शन में इसे घिसते रहें, इसको पलट कर दूसरे डायरेक्शन में घिसते हैं। तो थोड़ा पानी डालते हैं इस पर। तो इसी तरह से जब हम घिसते रहेंगे इसे डायरेक्शन चेंज करके, तो हमारी धार लग जाएगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप, तो हमें मैंने तो ये चौरसे के भी आपके समझ में आ गया होगा। अब सबसे मेन आता है हमारा हैंड प्लानर, कि आपने देखा मैंने चार टाइप के टूल्स की धार को लगाना बताया। अब मैं धार लगाता हूँ हैंड प्लानर की, जो कि हमारा बड़ा वाला रंधा होता है, इसकी धार को लगाते हैं। कुछ इस तरह से हमें इसे खोल लेना है, खोलने के बाद इसकी टेक ये निकल जाती है, ये देख ही सकते हैं। तो ये हमारी टेक निकल चुकी है, कुछ ही दिन पुरानी हमारी टेक है, ये नई टेक है। तो मैं इस टेक को खोलने के लिए ये जो पेंच होता है इसको लूज़ कर लेता हूँ और टेक को बाहर कर लेता हूँ। तो ये टेक हमारी कुछ इस तरह से पीछे को खींचने से निकल जाती है। इसको भी सेम इसी तरह से पकड़ना है जैसे कि मेरी फिंगर रखी हुई है यहाँ पर, ये कुछ मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ है, इसको ये देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, ताकि ये डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी रहे। तो इसको इस तरह से पकड़ लेना है और इतना ही टेपर इसका रखना है, जितना रखा हुआ है टेपर स्टार्टिंग में टेपर इतना ही रख लेना है और इसको इस तरह से घिस लेना है।
तो ये दोस्तों मैं राइट एंगल लगा कर चेक करा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बिल्कुल हमने इसको मिला लिया, ये देख ही सकते हैं आप कि फ़िलहाल हमारे ये राइट एंगल में ही है। थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है इस कोने में, तो ये भी हम ठीक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ये राइट एंगल में चेक कर लेना है, जैसे कि इस कोने में हल्का सा फ़र्क है, इस वाले कोने में जहाँ पर ये मेरी फिंगर रखी हुई है, इस कोने में हल्का सा फ़र्क है। तो अब हमें करना क्या है, इसको रखना है और कुछ इस तरह से घिसना है इसे, तो हमारा ये पार्टीशन ज़्यादा घिसा जाएगा और ये पार्टीशन बिल्कुल भी नहीं घिसा जाएगा, तो बिल्कुल ये राइट एंगल में आ जाएगा। तो ये जब आपके हाथ में कुछ इस तरह से पथरी होगी और ये टेक होगी और राइट एंगल होगा, सब प्रोसेस समझ में आ जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे घिसते हैं। उसके बाद जब हमारा पट्ठा उतर जाएगा इस तरह से, जब ये हमारे जो यहाँ पर दांते पड़े होते हैं ना रंधे में, पता लग जाता है जब पट्ठा उतरता है, तो ये सब दांते ख़त्म हो जाते हैं, वो दांते पीछे को पलट जाते हैं पट्ठे के तौर पर, जिसको हम पट्ठा बोलते हैं। उसके बाद इसे हम पथरी को पलटते हैं, कुछ इसी तरह से इसको घिसेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे देख ही सकते हैं जिस डायरेक्शन में मैं घिस रहा हूँ। उसके बाद इसको पलटेंगे कुछ इस तरह से, जो इसका पट्ठा होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा उतर के। इस तरह से घिसेंगे तो पट्ठा उतर जाएगा, फिर हमें कुछ इस तरह से घिसना है, फिर इस तरह से घिसना है इसे, फिर से इसी तरह से घिसना है इसे। तो कुछ देर इसी तरह से इसको घिसते रहना है, बिल्कुल आपका प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब यही होता है हमारी धार लग चुकी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक लाइन आ जाती है, देख ही सकते हैं जब हम धार लगाते हैं ना, ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, इसी तरह से हमारी ये भी वाइट हो जाती है। तो धार लगाने का कुछ यही प्रोसेस होता है, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की और काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझाया, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि धार को लगाया कैसे जाता है। जैसे कि हमारी पथरी खांचे में फंसी हुई है, इस तरह से खांचा बना सकते हैं, पथरी बिल्कुल प्रॉपर इसमें सेट रहती है। चोरसे का भी मैंने तरीका बताया, ये जो हमारी निहानी होती है दो सूत की, इसका भी तरीका बताया, चोरसे का भी तरीका बताया, चोरसा होता है इसका भी तरीका बताया, इसको निहान बोलते हैं शायद आपकी लैंग्वेज में, कुछ इन सभी चीज़ों को अलग अलग भी बोलते होंगे। बताया एक भाई की कमेंट भी आई हुई थी कि धार को कैसे लगाया जाता है, लोग न्यू हैं उनकी काफ़ी अच्छी हेल्प भी हो सकती है, और इसी तरह से आप धार लगाना काफ़ी ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों कोशिश मेरी यही होती है कि काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझाऊं, जो जानकारी मैं शेयर करूं वो भी समझ में आपकी आ जाए। कुछ आज इतने औजारों की धार लगाकर दिखाई, अलग अलग टाइप के औजारों की धार लगाने का तरीका भी बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपकी पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर कर देना न्यू कारपेंटर्स में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा देना, कमेंट के जरिए ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसी ही जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मैंने फेसबुक पेज बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फॉलो ज़रूर कर लेना फेसबुक पेज को भी, वहाँ पर भी मैं आपको अच्छे अच्छे अपडेट और जानकारी की वीडियो दूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर अलविदा करता हूँ, बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुदा।